हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोग बीएससी के लिए मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें चल रहा है इंटीग्रल कैलकुलस। और इंटीग्रल कैलकुलस में पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पे हम लोग प्रॉब्लम टाइप को जा रहे हैं देखने, क्योंकि इसके पहले वाले क्लास में हमने इसके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को, फार्मूला को सीख लिया है, बता दिया आपको, ठीक है। तो इस क्लास में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, इसके अलावा भी और भी लगातार क्लासेज आएंगी प्रॉब्लम बेस पे, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में तो प्रॉब्लम पूछता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम का कोई मतलब नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना, ज्वाइन कर लीजिए और फिर क्या कीजिए, आप आराम से पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का सवाल क्या है, पहला सवाल क्या है, बहुत बढ़िया सवाल है ना, इंटीग्रेशन करने हैं। क्या करने हैं हमको, इंटीग्रेशन करने हैं, dx अपॉन दिया हुआ है, क्या चीज, x पूरा से x है बाहर और ब्रैकेट शुरू होता है 6 log x का, है ना, यहाँ से स्क्वायर कर दे रहा है, प्लस 7 log x प्लस 2, ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन करने के लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। कैसे बनाएंगे हम इसके लिए, सोल्यूशन का क्या जरिया है वो सीखने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले कहना चाहेंगे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, 15 मिनट 20 मिनट से कम का वीडियो रहता है, उसके माध्यम से आपको सब कुछ समझाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आगे आप बढ़ जाएं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है कि लिखेंगे लेट, आराम आराम से देखिए, अगर स्लो लगता है तो फास्ट मोड कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कैसे, 1 अपॉन 6 log x का होल स्क्वायर प्लस 7 log x प्लस 2, है ना, यहाँ 1 कर दीजिए और अच्छा दिखेगा, ठीक है, क्लियर, इंटू 1 by x dx। इसको, इस क्वेश्चन कैसे लिखने में कोई हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। आपने इसको i मान लिया, आप लिखेंगे पुटिंग, ध्यान दीजिएगा, पुटिंग log x इज इक्वल टू जेड, तो क्या होगा, बोलिए क्या होगा, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 by x होगा, dz by dx होगा, यहाँ देखिए 1 by x dx इक्वल टू dz, ये ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करने वाला, अगला स्टेप समझिए, यहाँ पे therefore i इक्वल टू क्या होगा, आइए यहाँ देखा जाए, 1 upon 6 log x के जगह पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, z पुट करेंगे, 6z² राइट, 7z प्लस 2 तो होना ही है, अच्छा, और इसके जगह पर देखिए 1 by x dx, 1 by x dx के जगह पे क्या आएगा, डिजिट आपका आ जाएगा, समझ गए ना। तो अब यहाँ पे क्या मिले, देखिए अब इसको हम लोग फैक्टराइज करना समझेंगे, फैक्टराइज कीजिए 6 × 12, तो हम लोग जब फैक्टराइज करने चल रहे हैं तो 6z² प्लस 3 × 12 = 4 आएगा, 3z प्लस 4z प्लस 2dz, आइए यहाँ गौर से देखिए 6z, यहाँ क्या कमन होगा बताइए, यहाँ पे क्या कमन होगा, 3z कमन होगा, 3z क्या बचेगा, 2z प्लस 1 यही बचने वाला है, और इसमें आ जाइए, इधर क्या कमन करेंगे हम, 2 कमन करेंगे तो 2z प्लस 1, देखिए मेरी बात को समझिए बड़े ध्यान से, गौर से, प्यार से, क्लियर, समझिए ध्यान से, यहाँ से 1 upon 2z क्या होगा, 2z प्लस 1 कमन कर लेंगे सब में, इंटू क्या होगा, 3z प्लस 2। अब एक बात ये है, है ना, 3z, एक बात ये है कि आप लोग ये समझते हैं कि कभी कभी t मान लिया जाता है किताब में, तो t भी चलेगा, y भी चलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए और यहाँ तक तो नॉर्मल काम हुआ है, देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे टूट रहा है, और यहाँ से हम लोग अब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज करेंगे, लिखेंगे नाउ
लेट वन अपॉन टू जेड प्लस वन इंटू थ्री जेड प्लस टू इज इक्वल टू ए अपॉन क्या हो जाएगा, टू जेड प्लस वन प्लस, ठीक है ना, क्लियर, बी अपॉन थ्री जेड प्लस टू, ऐसे हम लोग मान लेंगे क्योंकि लीनियर फैक्टर है तो ऐसे मानने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग थोड़ा सा, देखिए पिछले वीडियो देखे हैं चाहे ट्वेल्व में पढ़े हैं तो आपको पता होगा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे नीचे वाला कट जाता है ना लगभग, तो वन इज इक्वल टू, एक्चुअली यहाँ पे इक्वलेंट का साइन होता है लेकिन इक्वल देके चलते हैं हम लोग ताकि प्रॉब्लम ना हो, ए इंटू इसे इसमें करेंगे थ्री जेड प्लस टू प्लस बी इंटू टू जेड प्लस वन। अब हम लोग यहाँ से ए बी का मान निकालते हैं, एक कोफिशिएंट मेथड भी होता है इक्वल करके निकाल लो और पुटिंग मेथड भी होता है। चलिए तो ये लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, एक बार इसको जीरो कीजिए इसको, तो पुटिंग अगर थ्री जेड प्लस टू को जीरो करेंगे जेड का मान क्या हो जाएगा, जेड का मान आ जाएगा माइनस टू बाई थ्री, कितना आएगा माइनस टू बाई थ्री। तो लिखेंगे देयर फोर वन इक्वल टू, इधर तो वन ही रहेगा ये पूरा जीरो हो गया, इसमें रखिए इसमें रखिए ड्रॉप कीजिए ऐसे टू इन टू माइनस टू बाई थ्री प्लस वन, ऐसे टू इन टू माइनस टू बाई थ्री प्लस वन, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस फोर बाई थ्री प्लस थ्री, समझ रहे ना मैंने जोड़ कर रहे हैं हम, तो कितना होगा माइनस वन बाई थ्री हो जाएगा, कितना निकला माइनस वन बाई थ्री निकला। तो मेरे कहने मतलब इसको रफ करते हैं साइड में किसी पेज के कोने पे या लास्ट में, ठीक है क्लियर। यहाँ देखिए कितना आया था, तो वन इक्वल टू माइनस वन बी रहेगा तो बी से गुना हो जाएगा, तो बी बाई कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा, बी बाई कितना होगा थ्री होगा, दैट मीन्स यहाँ से बी का मान निकल जाएगा माइनस थ्री। एंड पुटिंग क्या, एंड जेड बराबर क्या पुट कीजिए, तो इसको जीरो कीजिए तो जेड का मान आएगा माइनस वन बाई टू, तो देयर फोर वन इक्वल टू क्या होगा, रखिए इसमें इस जीरो हो गया ये रखिए, तो माइनस थ्री बाई टू प्लस टू दैट मीन्स दो चार आ जाएगा ए बाई टू आएगा, ए बाई कितना आएगा ए बाई टू आएगा, समझ रहे ना, देखिए ध्यान से। सबसे बड़ा चीज़ है कि क्वेश्चन को कॉन्सिस्टेंसली लगातार बनाना। तो यहाँ देखिए बाबू क्या होगा, देखिए यहाँ पे बोलिए क्या होगा, तो ए का मान क्या मिलेगा यहाँ पे, देयरफॉर ए बराबर आपका टू मिल गया, तो हो गया ना, बी के मान से मतलब था हमको, ए के मान से मतलब था, इसके मान को रखते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर आप लिख चुके हैं तो रोक के लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, हम मिटाने चल रहे हैं, ठीक है, आप रोक सकते हैं, इतना जल्दी किए तो रोक सकते हैं ना आप। चलिए इधर आ जाएंगे अब, तो यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, देयरफॉर लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे क्या, सो वन अपॉन क्या है टू जेड प्लस वन है ना, है? उसके बाद टू जेड कितना है थ्री जेड प्लस टू है, थ्री जेड प्लस टू है इज इक्वल टू ए का मान कितना आया है, ए का मान टू आया है, ए अपॉन टू जेड प्लस वन, और बी का मान कितना आया है माइनस तीन आया है, माइनस थ्री बाई बोलिए थ्री जेड प्लस टू, तो क्या होगा देखिए। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे हम लोग जेड के टर्म में, ये क्या होगा टू लॉग मॉड टू जेड प्लस वन, लेकिन यहाँ देखिए ध्यान से कोफिशिएंट टू है तो टू से क्या करना पड़ेगा यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस थ्री, कोफिशिएंट क्या थ्री, थ्री से डिवाइड करना पड़ेगा, कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं लॉग मॉड थ्री जेड प्लस टू प्लस सी, कट गया ये कट गया ये। अब देख रहे हैं क्या लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है बताइए, लॉग ए बाई बी होता है, लॉग ए बाई बी होता है, तो क्या हो जाएगा देखिए लॉग दो जेड प्लस वन अपॉन थ्री जेड प्लस टू प्लस सी, यही आंसर हो गया हमारा। इसको और आगे बढ़ाएंगे, लॉग टू जेड टू लॉग एक्स प्लस वन अपॉन थ्री लॉग एक्स प्लस
टू प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत अच्छा तरीके से लंबा क्वेश्चन था बन गया, बट बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था ना, समझ रहे ना। आइए एक प्यारा सा और भी क्वेश्चन लेते हैं इसी बेस पे, जिससे क्या होगा आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत नहीं होगी, समझे ना। तो एक यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे, उस क्वेश्चन को हम रखते हैं सामने, ठीक है ना, क्लियर, राइट। पहले तो हमेशा हम चाहते हैं कि बेसिक लेवल से आपको इस तरह से बताएं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन करने हैं, क्या चीज़ का, cos x अपॉन वन माइनस साइन एक्स, ठीक है। अगर देखिए इनटू टू माइनस साइन एक्स, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा ना, सबका सेटिंग रहता है। सॉल्यूशन देखिए, लेट आई इज इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स इंटू टू माइनस साइन एक्स, है ना, ऐसे रहेगा। तो क्या है समझने का प्रयास करना है हमें, राइट। यहाँ लिखते हैं पुटिंग साइन एक्स इक्वल टू जेड, साइन एक्स का मान क्या पुट किया, जेड पुट किया, देयर फॉर डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स कितना होगा, कॉस एक्स बराबर डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड, क्लियर। अब क्या होगा, देयर फॉर आई इक्वल टू क्या होगा, बोलिए, आइए कॉस एक्स डी एक्स का बदला क्या लिखेंगे हम लोग, डी जेड लिखेंगे, डी जेड अपॉन बोलिए वन माइनस साइन की जगह पे जेड लिखेंगे, वन माइनस जेड इंटू टू माइनस जेड, क्लियर। अब यहाँ से जो खेल हो रहा है ना उसको समझिए, लिखेंगे लेट वन अपॉन, यही ना फैक्टर है, जेड इंटू टू माइनस जेड इज इक्वल टू ए बाई वन माइनस जेड प्लस बी बाई टू माइनस जेड। यहाँ से कैंसिल कर लेंगे तो क्या होगा, वन माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू टू माइनस जेड प्लस बी इंटू वन माइनस जेड। अब यहाँ बड़े प्यार से लिखेंगे पुटिंग, बहुत आसान सा क्वेश्चन रहा है, पुटिंग जेड की जगह पे क्या पुट करेंगे, दो पुट करेंगे, ये जीरो हो जाएगा, देयर फोर वन इज इक्वल टू जीरो हो गया, माइनस प्लस क्या होगा, ये वन माइनस टू मान माइनस बी हो जाएगा, डैट मीन्स बी का मान कितना आ गया, माइनस वन आ गया। एंड यहाँ देखिए जेड का मान कितना पुट करेंगे हम, जेड का मान जो है वो पुट करने वाले हैं कितना 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 कितना, देखिए जेड का मान पुट करेंगे हम वन, वन पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये जीरो हो जाएगा, ये कितना वन होगा, तो ए इक्वल टू क्या मिल गया आपको, वन मिल गया, ठीक है ना। इसीलिए लिख दीजिए, इसीलिए देयरफॉर। अब सुनिए ध्यान से बड़े प्यार से, नाउ क्या है नाउ में, तो नाउ में ये है कि हम लोग आ जाएंगे यहाँ से, यहाँ माने हैं ना, यहाँ यही टर्निंग पॉइंट होता है, ट्वेल्थ क्लास में जब पढ़ाते हैं हम, आपके छोटे भाई बहन होंगे उनको दीजिएगा सीरीज मेरा देखने के लिए, इंटीग्रेशन का चेक कुछ चैप्टर का गारंटी के साथ कहते हैं, एक नया तरीका से सीखेगा वो, उसको दिक्कत कभी नहीं होगा आगे वाली क्लास में या कभी भी किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आप नहीं करेंगे तो फिर क्या हो सकता है। इंटीग्रेशन करते हुए चल रहा है, इसका लिख दीजिए वो ए का कितना है, ए का वन है, वन अपॉन वन माइनस जेड, और ये हो जाएगा माइनस बी, तो वन अपॉन टू माइनस जेड, इंटीग्रेशन कर दिया हमने, ठीक है, ये लिख दीजिएगा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लॉग मॉड वन माइनस जेड, ले निगेटिव है यहाँ पे माइनस तो लग जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस लॉग टू माइनस जेड, लेकिन निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा ये। अब क्लियर, देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग दो माइनस जेड बटा वन माइनस जेड प्लस सी, तो क्या होगा बोलिए, यहाँ पे लॉग दो माइनस साइन एक्स बटा दो माइनस
वन माइनस साइन एक्स प्लस सी, और ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया शानदार जानदार आंसर। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे, और ऐसे ही क्या होता है कि इसका आंसर आएगा और आप आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, प्रैक्टिस के लिए आप बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर ये अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। कोर्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।